हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, छोटे नु प्यार बड़े नु सत्कार, मैं तोड़ा अपना निक्का जा स्टार। तो क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, फिट होंगे। तो आज क्या है, ट्यूसडे है ना? आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे आज। हाँ, तो आज हम जा रहे हैं, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया भी था कुछ दिन पहले कि जयपुर हम मीटिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पे हम लीला में वेडिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी डेस्टिनेशन वेडिंग। तो आज हम उसके वर्क के लिए निकल रहे हैं। अब मेरे को जाके वहाँ पे लोकल वेंडरों से मिलना है, बड़ा काम था हम करना है। और 1 और 2 अप्रैल की वेडिंग है, और मेरे साथ जा रहे हैं गोविंद सैनी और दो तीन बंदे और आ रहे हैं। दोबारा बोली रही सैनी है, हम तो देखो गोविंद के नाम से जानते हैं भाई, ये गोविंद के नाम से जानते हैं सारे के सारे। ये भी यूट्यूबर है, इसका यूट्यूब पे चैनल किस नाम से है? हिरेश व्लॉग्स। हिरेश व्लॉग्स, ओके ठीक है। ये रैंडम राजपूत है, एंटरटेनमेंट। देखा हम कितने फेमस हैं, मेरा नाम याद है इसको, रैंडम राजपूत एंटरटेनमेंट। अभी हम कर रहे हैं वेट, कहाँ खड़े हैं हम? बहुत अच्छी जगह पे खड़े हैं, मतलब गुरुद्वारा है हमारे सामने, हमने दर्शन भी कर लिए हैं, सुहाना खड़े हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं गौतम जी की, जो हमारे पूरे डिजाइनर हैं, जो डेकोर सारा जिन्होंने डिजाइन किया है एंड ऑल एवरीथिंग। बाइसेप्स बन रहा है भाई का तेरे बिना जिम जाए। देखो लोग जिम जाके फिट होते हैं, हम बिना जिम जाए फिट रहते हैं, क्योंकि हम डाइट पे कंट्रोल रखते हैं पूरा। अपने से लगा रहता है, आड़ कबाड़ हम खाते नहीं। प्लीज आप भी मत खाया करें, ऑयली फूड बिल्कुल ना खाएं, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, हेल्थी फूड खाएं, ठीक है? देखो इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस देता हूँ, कहाँ मिलेंगी? अरे आ जाओ यार, अब मैं 1 मिनट कॉल कर लेता हूँ ना सर को, उसके बाद हम दोबारा व्लॉग बनाएंगे। अपना कैमरा तो दिखा दे, ये बड़े लोग हैं तो ये व्लॉग ऐसे बनाते हैं, और हम छोटे लोग हैं, हम छोटे से फोन में बनाते हैं। हमारे पास कीपैड वाला फोन है, 3110 मेरा फेवरेट फोन। ये आईफोन 13 प्रो किसका है ब्रो? मेरा नहीं है, आई मांगा हुआ है, गरीब बंदा है। हेलो, तो हम पहुंच गए हैं, हमें 2-3 घंटे हो गए ड्राइव करते हुए, हम अब रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, हम दो हैंगरी, तो मैंने अब करनाल के पास, करनाल हम क्रॉस कर चुके हैं। हाँ जी, तो हम अब यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर चलेंगे फिर ड्राइव। 6-7 घंटे की ड्राइव अभी पड़ी है हमारे जयपुर पहुंचने के लिए। यूट्यूबर हमारे साथ आया है हिरेश व्लॉग्स, इसका कैमरा पड़ा है। देखो जी, अमीर लोग व्लॉग बनाते हैं कैमरे में, गरीब लोग बनाते हैं फोन में। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा डन, चलो चले दोबारा। हम रेवाड़ी क्रॉस कर चुके हैं, लंच का टाइम हो चुका है, अब कहीं पे रुक के हम लंच करेंगे। सब कुछ सला हुआ है, उसके ऊपर बात करें, पैसे की बात करें, माल की बात करें, वो आपको एक चक्कर घुमाएंगे। 1-2 घंटा और रह गया जयपुर पहुंचने के लिए। तो गाइस हम सड़कों पे भटक रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदी धूप में, जयपुर में इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी गंदी धूप है कि क्या बताएं आपको। ओहो, ट्रक की ट्रक चल रहे हैं और कितनी स्पीड में चल रहे हैं, रुकते भी नहीं साले। ओहो भाई साहब, हम यहाँ पे रुके हैं अभी खाना खाने के लिए, हम जयपुर ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। तो अब हो गया लंच टाइम, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पेट में चूहे की जगह हाथी कूद रहे हैं। तो अब हम खाना खा रहे हैं, 4 बज चुके हैं, बताओ ये लंच टाइम है कोई, इतना लेट हो गया कहीं अच्छा ढाबा नहीं मिल रहा था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, द लीला होटल। यहाँ पे आज पहले ही ऑलरेडी एक फंक्शन चल रहा है, एक वेडिंग इवेंट हो रहा है। वर्क मोड ऑन, तो यहाँ पे काम चल रहा है। देखिए बार, इतनी प्यारी बार है, मेरे को तो कुछ आपकी चाहिए।
तो अब हम काम कुम देख के और वेंडरों को काम समझा के कहाँ पे क्या होना है, प्लेटफॉर्मिंग वगैरह, ट्रस वगैरह, सारा डेकोर सिस्टम सारा समझा के फ्री होके अब हमने रूम ले लिया है, रूम चेक इन कर चुके हैं और अब डिनर की तैयारियाँ हैं। बस हम सुबह से खा ही रहे हैं, चल रहे हैं और खा रहे हैं। काम तो आज मतलब कुछ किया ही नहीं, थोड़ा सा ही काम था क्योंकि वेंडर सारे बिजी भी थे, क्योंकि बहुत हैवी डेट है, सबको अपना अपना काम है, सब अपने काम में बिजी हैं। फर्स्ट सेकंड का हमारा है, तो अभी कल मुझे कुछ वेंडर्स के पास जाना है, फर्नीचर वगैरह देखने की कंडीशन कैसी है उनकी। हमने ऑर्डर तो किया हुआ है बट एक बार उनकी कंडीशन देखनी पड़ेगी, पेंटेड वगैरह हो रखे हैं नहीं हो रखे, रिपेयर वगैरह कुछ ख़राब थे। हमने रूम चेक इन कर लिया है, द हाईवे मेमोरीज करके होटल है यहाँ पे, अच्छा होटल है, रूम भी बहुत अच्छे हैं, मैं अभी आपको रूम दिखाऊंगा ऊपर जाके, ठीक है जी। अब हम डिनर करने लगे हैं, ऑर्डर कर देते हैं डिनर। तो गाइस अब हम कर रहे हैं डिनर, तो आजकल ना वर्कआउट हो पा रहा है और ना खाने पे कंट्रोल हो पा रहा है, कुछ भी खाई जा रहे हैं, मतलब कुछ भी चाइनीज़ कुछ भी खाई जा रहे हैं यार, हेल्थ पूरी ख़राब हो चुकी है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या बताऊँ मैं आपको कैसा हो गया है। तो हम डिनर करके जाएंगे अपने रूम में रेस्ट करने के लिए, क्योंकि क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। 8 घंटे की ड्राइव की है, 8 घंटे कंटिन्यू ड्राइव की है, सुबह 8 बजे चंडीगढ़ से चले थे और 4 बजे शाम को जयपुर पहुँचे हैं, उसके बाद फिर मीटिंग पे मीटिंग। बस अब हमें रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो मैं आपको भी अपना रूम दिखा देता हूँ जहाँ पे हम स्टे करने लगे हैं, बस मुझे 5 मिनट दीजिए। यह है हमारा होटल जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, देखिए अपना रूम, 2 रूम का सेट है ये। अच्छा रूम, 2 रूम का सेट है, बहुत प्यारा है। ओके गाइस अब दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत दिन हो गए ब्लॉग बनाए नहीं है, तो आज काफ़ी टाइम बाद ट्रैवल किया था तो आज सोचा ब्लॉग बना लेते हैं, प्रॉपर ब्लॉगिंग हुई भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा शूट लिया कहीं कहीं पे क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था और इतनी दूर मतलब 600 किलोमीटर आई थिंक चंडीगढ़ से, तो इतनी दूर मैं हाईवे पे पहली बार चलाऊँ गाड़ी लेके, पेरेंट्स तो दे भी नहीं रहे थे, गाड़ी मना कर रहे थे, तो चलो किसी तरह मना मनु के ले आए, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाया, व्यूज़ वगैरह इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आए थे वो नहीं शूट कर पाया, कल अगले ब्लॉग में ज़रूर करूँगा क्योंकि अब गाड़ी मैं नहीं चलाऊँगा, मैंने चला ली जितनी चलानी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।